हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग साथ न्यू न्यू किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना न्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना एक आलू को लेकर के वीडियो बनाया है। तो सर्दियों के दिनों में पता है न्यू न्यू आलू उबजता है तो आता है, तो इसमें मिट्टियाँ भी बहुत सारी रहती है और इसके छिलके भी बहुत पतले होते हैं। अगर हम छिल्ली की सहायता से छीलते हैं ना तो आलू भी छिला जाता है, क्योंकि ना इसके छिलके बहुत ही पतले होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहना, चाय छानने वाली चाय छन्नी ले ली। आप इससे बड़ा वाला भी यूज कर सकते हो। एक बार में काफी सारे आलू इसके अंदर इस तरीके से क्रश करने से देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसके जो छिलके हैं वो उतर जाएंगे और हमारे आलू मतलब अच्छे से छिला जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसका छिलका उतार दिया है। इसकी सहायता से एक्स्ट्रा आलू भी नहीं खराब हुआ इसमें मेरे, और छिलके उतर गया, बहुत ही कम समय में हो जाता है। आपको आप लोग को ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे किचन के रैक को लेकर के। यहाँ पे ना मैं खाना बना रही थी तो इसे मेरे से थोड़ा सा तेल गिर गया, तो अगर मैं इसे कपड़े से पोछूंगी ना तो क्या होगा ना, इस तेल के मतलब पूरा फैल जाएगा और पिछलने लगेगा, चिपचिपा हो जाएगा, अच्छे से साफ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ना क्या किया है, और इतना ही दूर मेरा पूरा गंदा हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे ना गंदा नहीं हो और बड़ी आसानी से ये क्लीन भी हो जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बचा हुआ आटा जो था मैंने उसकी सहायता से इस पर डाल दिया, और आटा क्या किया ना, इस तेल को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, और उतना ही दूर का जो था उसको हम हटा देंगे। और इस अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा भी चिपचिपा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑयल को पूरा आटा ने सोख लिया और यहाँ पे थोड़ा भी गंदगी नहीं रहा। तो मेरा यहाँ पे फर्श भी क्लीन हो गया अच्छे से, और ये जो तेल था ये भी खत्म हो गया। और इस आटा को ना हम छत पे दे आएंगे ताकि पक्षी। फ्रेंड शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा किचन के बेसिन को लेकर के। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बेसिन है, डेली रात को वैसे धो के तो सोना ही चाहिए हमको क्लीन करके अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर पाइप रहता है और पाइप डायरेक्ट नाली से अटैच रहता है, तो उससे ना कीड़ा मकोड़ा आता है ऊपर से, तो रात को किचन में स्मेल भी आती रहती है इसी की वजह से। तो लास्ट में हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर से नमक डाल देंगे सोने से पहले। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जो नमक खाते हैं ना हम लोग, वही नमक मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर वाले ढक्कन पे डाल देंगे तो खुद ही ये नीचे भी चला जाएगा, और जो भी कीड़ा वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होता है वो नीचे से चल के आते हैं तो ऊपर आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो नमक से उनको बहुत ही एलर्जी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुबह होते ही मैं इसे धो दूंगी, लेकिन रात को मैं डेली डाल के सोती हूँ यहाँ पे, इसे स्मेल भी नहीं आता। आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स। तो अगली टिप्स है हमारी कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या किया, गैस को जला लिया और चाकू को मैंने गर्म कर लिया है ऊपर वाले छोर को, और वही सावधानी से मैंने क्या किया, एक बॉटल लिया है कोको कोला की, जो सबसे छोटी वाली बॉटल आती है ना, उसमें मैं इस चाकू की सहायता से जितनी बड़ी चाकू में थी ना उतना ही चौड़ाई का मैंने इसमें ना एक होल बना दिया है इस तरीके से लंबा करके, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चाकू गर्म था, ऑटोमेटिक इसकी सहायता से इसमें हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इसके अंदर ये बॉटल बहुत ही यूज का हो जाएगा हमारा, वैसे तो हम यूज करके फेंक देते हैं इसका, लेकिन अब मैं इसमें ना घर में बचे कुचे जो सिक्के होते हैं, मनी होते हैं, उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इससे क्या होगा ना, हमारा मनी भी बचेगा और क्या कहते हैं, ये पैसा भी सेविंग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।